बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है म्यूगलर या थैरी म्यूगलर, लेकिन अब इसका म्यूगलर रह गया नाम। और इस फ्रेगरेंस का नाम है ए मैन क्रिप्टो मिंट। क्रिप्टो मिंट, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस तरह की बॉटल है इसकी, ये जो कलर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी कलर की ये बॉटल है, ज़बरदस्त। और टिपिकल जो इनकी बॉटल्स हैं उनके अंदर ये सामने फ्रंट पे ग्लास का एक स्टार सा बना होता है जिसके अंदर से जूस आपको नज़र आ रहा होता है। और ये टोटल, और इसका ये एक रबर टाइप इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, और उसी रबर के साथ जो है ना, इसका कोई कैप शैप नहीं है, बस इसको दबाया और यहाँ फ्रंट से इसका स्प्रे निकलता है, जूस निकलता है। 2017 की ये लॉन्च है। अच्छा, म्यूगलर के अभी तक मैंने जितने भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की, इनकी बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंसेज हैं। अभी तो कुछ डिसकॉन्टिन्यू हो गई हैं, और उसके डिसकॉन्टिन्यू होने की वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं। डिसकॉन्टिन्यू होने की वजह से आप कह सकते हैं कि लोगों को क्यूरियोसिटी ज़्यादा है उनको अपने पास रखने की, स्पेशली जो कलेक्टर्स लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ठीक है। लेकिन मुझे इस ब्रांड में जो एक चीज कॉमन लगी, आप कोई भी ब्रांड उठाकर देख लेना, जैसे परफ्यूम्स दमार्ले हो गया आपका, ये हो गया बोधिशिया द विक्टोरियस हो गया, उसके बाद आपका जर्ज ऑफ हो गया, आप निशाने हो गया, आपको हर ब्रांड में कोई एक, ये सबसे बड़ा एग्जांपल ये मंसेरा हो गया, मंसेरा आपको हर ब्रांड के अंदर एक सिमिट्री नजर आएगी। मतलब मंसेरा है, इनकी फ्रेग्रेंसेज आप आंखें बंद करके भी तीन चार लगा लेना कोई भी, तो आप उनमें से पहचान लेंगे, यार ये मंसेरा है। ये बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी मतलब बड़ी एक आप कह लें कि नॉट इजी टू लाइक, बहुत ज्यादा इजी टू लाइक नहीं है, ये इस तरह की फ्रेग्रेंसेज हो जाती हैं। तो एक ब्रांड का कोई ना कोई सिग्नेचर होता है, तो इस ब्रांड का सिग्नेचर जो है वो कॉफी या कोरिएंडर सीड्स की तरह का एक स्पेसिफिक खुशबू है, वो इस ब्रांड का सिग्नेचर है जो मुझे तकरीबन इनकी हर फ्रेग्रेंस में फील होता है। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि इसका, अच्छा, इसकी पूरी बॉटल के ऊपर कहीं पे भी नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ ये बॉटम के ऊपर यहां पे इसका ये नाम लिखा हुआ है। और इन सारी बॉटल्स में इसी तरह कहीं पे कोई नाम नहीं लिखा होता, बॉटम पे बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है ए मैन। अब जिस तरह इसका क्रिप्टो मिंट है, सेम इसी तरह प्योर मॉल्ट होता है, फिर मुख्तलिफ हैं इसके, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह मिंट मार्गरीटा के अंदर ब्लैक पेपर्स आपने डालती हो। मिंट मार्गरीटा जो होता है ना, वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है। लेट्स सपोज कुछ लोग स्प्राइट, कुछ सेवन अप यूज करते हैं, उसके अंदर मैश करके मिंट को डालते हैं, पुदीने को, फिर उसके अंदर चीनी डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, लीमू भी डालते हैं ठीक ठाक, तो वो एक मार्गरीटा, मिंट मार्गरीटा टाइप बन जाता है। और बड़ी जबरदस्त, गर्मियों में बहुत जबरदस्त वो एक ड्रिंक होती है जो कि हम लोग पीते हैं, ठीक है। उसके अंदर एडिशनली आप ब्लैक पेपर्स को अगर आप डाल दें तो इसका स्टार्ट बनता है। फिर इसके सेकेंड फेज में मिंट मार्गरीटा की जो खुशबू है वो लिटरली गायब हो जाती है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक डार्क सी कॉफी की खुशबू रह जाती है। और वो जो डार्क सी कॉफी की खुशबू है, मुझे समहाउ इसमें कोरिएंडर सीड्स की भी खुशबू फील हुई समहाउ, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। लेकिन जो चीज प्रोमिनेंट फील हुई वो थी कॉफी बीन्स की खुशबू, कॉफी के बीन्स की खुशबू, और कॉफी प्रॉपर वो पानी में या मिल्क में या क्रीम के साथ बनी हुई कॉफी नहीं, कॉफी बीन्स की एक कड़वी सी, एक जबरदस्त सी खुशबू होती है, लेकिन उसके साथ पाउडर्ड चॉकलेट की खुशबू इसके साथ मुझे फील हुई समहाउ कुछ देर तक। मिंट, नॉट द मिंट मार्गरीटा, बट जो मिंट था, एक पुदीने के जो पत्तों की एक स्पाइसी सी ग्रीन सी खुशबू होती है, समहाउ वो थोड़ी देर तक इसके ऊपर घूमती फिरती रही, लेकिन उसके बाद ये टोटली कॉफी बीन्स और हल्की सी चॉकलेटी सी खुशबू रह गई, और फिर ये खुशबू चलती रही। बहुत ही जबरदस्त इसका जो ड्राई डाउन था, बहुत ही जबरदस्त, कॉफी और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन था बहुत जबरदस्त, लेकिन इसका स्टार्ट उससे भी ज्यादा जबरदस्त, ठीक है। तो बस मुझे इसके यही तीन फेज मिले, पहले में टोटल मिंट मार्गरीटा, सेकंड में मिंट एंड दैट कॉफी फेज, और एंड पे फिर मिंट भी गायब हो जाता है, सिर्फ कॉफी और चॉकलेट रह जाती है, दैट्स इट, ठीक है। 2017 की ये लॉन्च है, वकास अहमद से मैंने ये ली। आपको ये अभी इसका डीकेंट या इसकी जो पार्शल है वो शायद वकास अहमद से मिल जाए, बट डीकेंट तो इसका जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस
इसकी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है कि मुझे, क्योंकि पार्सल मिला तो मैं इसकी प्राइस अब सही कोट नहीं कर पा रहा, लेकिन 25,000 से नीचे नीचे ही है, ठीक है। इस ब्रांड की तमाम फ्रेग्रेंसेज 25,000 से नीचे नहीं है, बहुत नीचे भी हो सकती हैं, लेकिन ऑन द सेफ साइड प्राइस मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, इसमें मिंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं। हाँ, हर वो बंदा जिसको कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, हर वो बंदा जिसको चॉकलेट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है विद कॉफी, चॉकलेट एंड कॉफी, वो इसको ट्राई कर सकते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माय साइड ये एक टोटल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फीमेल्स इसको नहीं लगाएंगी क्योंकि ये थोड़ी सी डेयरिंग सी फ्रेग्रेंस लगती है मुझे, ठीक है। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी जो लॉन्गजिविटी है बहुत जबरदस्त, 7 से 8 घंटे। मैं ही बहुत खींच तान के अगर मार दूं ना तो फिर भी इसकी 8 घंटे लॉन्गजिविटी है। और प्रोजेक्शन की बात करें तो उसी दौरान इसकी 2.5 से 3 घंटे एक अच्छी प्रोजेक्शन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती, एक आम लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल में इस ब्रांड की तमाम फ्रेग्रेंसेस, मेरा जहां तक आइडिया है, उनकी प्रोजेक्शन बस आम लेंथ तक ही होती है, ये बीस्ट प्रोजेक्टर टाइप ब्रांड नहीं है। बाकी आप लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई इस तरह की इस ब्रांड की फ्रेग्रेंस है जो कि बीस्ट प्रोजेक्टर टाइप हो। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और किचन की बात करें तो फ्रॉम माई साइड 2 केस के अंदर मिंट है, बट ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन का ऐसे जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको कॉफी बेस्ड, कॉफी बीन्स और चॉकलेट की खुशबू अगर पसंद है तो आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, प्राइस का थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बाकी हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो यह था जी हमारा थेरी म्यूगलर या म्यूगलर का क्रिप्टो मिंट। थैंक यू सो मच।